बिग बॉस सीजन 17 का न्यू प्रोमो सामने आ चुका है। जब से समर चुरैल की घर में एंट्री हुई है उसके बाद से घर में क्या बड़े 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 पंगे हो रहे हैं भाई। जी हाँ, यहाँ पर है ना एक लड़का है जिसका दिल बहुत बुरी तरह से टूट चुका है, अभिषेक कुमार भाई। वो बंदा इतना रो रहा है, जिस तरीके से इस चीज को बोलेंगे, मतलब ये जो दीवानापन है ना, ये अभिषेक का जो है भाई देखने को मिल रहा है। इतना तरीके से मतलब बिग बॉस ने जो दिखा दिया और समर जुरैल के घर में एंट्री दिखाई है। अब आपको बता दें कि कल के दिन क्या होने वाला है। जिस तरीके से आज समर्थ की एंट्री को दिखाया, पहले एक प्रीमियर हुआ, इनके इनके क्यूट मूवमेंट्स को दिखाया बिग बॉस के घर में, जिस तरीके से ये घर में आए हैं, इन्होंने लड़ाई भी की है एक तरह से, ईशा ने ये एक्सेप्ट भी किया है कि नहीं उसे अभिषेक चाहिए, अपने रूम में ही चाहिए, उसने अभिषेक को माफ कर दिया। अभिषेक ने यह भी कहा कि मुझे किसी और, कोई मेरे बारे में कुछ भी समझे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तेरे सोच पर फर्क पड़ता है कि तू मेरे बारे में क्या सोचती है। तो ये दीवानापन भाई जो देखने को मिला है उस स्क्रीनिंग में, उसके बाद अभिषेक को रोना आ गया, बहुत रो रहा था, लेकिन उसी रोने पर, उसी जख्मों पर नमक छिड़क दिया है भाई बिग बॉस ने। समर जुरैल के घर में एंट्री करा दी और बतौर ये कहकर कि अकॉर्डिंग टू समर जुरैल, ईशा मालविया को वो डेट कर रहे हैं, वो उनके बॉयफ्रेंड हैं। और उसके बाद आपको बताते हैं ईशा और समर्थ के बीच में बहस जो है वो देखने को मिली है इस प्रोमो में, और जहां पर उस प्रोमो में दिखाया जाता है कि समर्थ जो कि ईशा से ये कहते हैं कि तू और मैं डेट नहीं कर रहे, हे भगवान इतना झूठ मैं कैसे सहूं, और ये तक भी कहा कि मैं ये गधी जो वर्ड है वो बेसिकली यूज़ किया गया है ईशा के लिए समर्थ जुरैल की तरफ से। और उस पर जो है अभिषेक कुमार को गुस्सा आता है भाई उस बंदे को, और वो उठ करके आता है कि तेरे को मैं बाहर बताऊंगा और इसके बारे में कुछ गलत नहीं बोलेगा। ये जो दीवानापन है ये देखने को मिल रहा है भाई इस घर में ना, बहुत कुछ अब होने वाला है। ईशा मालविया फंस गई हैं किस जाल में, इस जंजाल में भाई। ईशा मालविया जहाँ पर अभिषेक को सपोर्ट कर रही भाई, सपोर्ट किया है, सपोर्ट कर रही है उस प्रोमो में, वहाँ पर समर्थ को अलग छोड़ दिया है। अब आगे क्या होगा बिग बॉस के घर में, और कल के दिन सोहेल खान और बास खान जो कि रोस्ट करेंगे बिग बॉस के कंटेस्टेंट को कल रात 9 बजे, आप सबका क्या रिएक्शन है भाई हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।